रहे गोरा मुखड़ा नैन कटीले ना भुआ की हो के रखीले तीन बार दिए बांटो तो मैंने ले लिया चार बार दिए आप दोनों का नाम क्या है भावना इसका नाम क्या नाम है आपका लवी लवी और भावना है भावना की तो भाई सो प्रीटी आप भी वहीं जा रहे हो क्या अच्छा ये चमक रहा अच्छा कोई अंग्रेजों का मंदिर भी है क्या यहाँ पे तो भाई इस आश्रम में हमने रात गुजारी है यहाँ सामने हॉल था इसी में थे सब लोग फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात तो रही नहीं ठीक है गुरु जी चलते हैं भैया बाहर की भीड़ देखो भाई कितनी हो रही रात भी इतनी थी अभी भी इतनी मतलब सुबह सुबह इतनी भीड़ होती जा रही है सब लोग तैयार हो के चल पड़े हैं तो हम भी निकल पड़ते हैं भाई इस्कॉन मंदिर की तरफ को जो कि मेरा कल रह गया था तो आज के लिए सभी को मेरी तरफ से राधे राधे भाई फिलहाल हम जा रहे हैं मंदिर पे और उसके बाद मथुरा जाऊंगा मैं तो अभी मेरा वही मंदिर है रखा है तो फटाफट निकलता हूँ भाई कल ऐसी कुछ भी नहीं था रात रात में इन्होंने देखो ग्रीन जाली भी लगा दी है उधर से एंट्री हो रही है अब तो और भी ज्यादा भीड़ हो जाने वाली है यहाँ पे कल तो वैसे ही पूरा ओपन था तो आज के लिए तो बहुत भीड़ होगी इसमें तो आज का ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं भाई मौसमी के जूस से बाकी भाई निधि वन और बाकी बिहारी मंदिर तो हमने घूम लिया अब आगे जाएंगे इस्कॉन मंदिर के लिए वहीं जा रहे हैं और भाई जूस पी के एनर्जी आ गई बढ़िया दो गिलास पी लिए मैंने ताकि एनर्जी कम ना हो बाकी तो खाना तो तुम्हें पता ऐसे ही मिलेगा जूस बढ़िया मिल जाता भाई तो जूस पी के निकल पड़े हम अभी अब यहाँ से कितनी दूर होगा यार मुझे तो पता नहीं इस्कॉन मंदिर कितनी दूर है मैम यहाँ से आप भी वहीं जा रहे हो क्या अच्छा ये चमक रहा अच्छा कोई अंग्रेजों का मंदिर भी है क्या यहाँ पे ऐसा बता ये इसी को बोलते हैं क्या अच्छा तो प्रीडी ये रहा इसके अंदर जाना पड़ेगा भाई एंटर करने के बाद अंदर भाई कुछ इस तरीके का दिखता है भाई फाइनली सारे मंदिर घूम लिए मैंने प्रेम मंदिर तो कल रात ही घूम लिया था बड़ा ही मजेदार है भाई अब घूम के आ रहा हूँ मैं इस्कॉन मंदिर जो कि अमेजिंग बना हुआ मतलब कि प्रेम मंदिर जितना तो नहीं है लेकिन हाँ बढ़िया है एकदम मजेदार है तो मजेदार मतलब कि शानदार एकदम बहुत ही अच्छे से बना हुआ है भाई और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरनर आपको वहीं देखने को मिलेंगे सब लोग उसी में बैठे रहते हैं ज़्यादातर तो फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ मथुरा बैग वैग सब पैक है मेरा तो अब निकलने की तैयारी करते हैं और यहाँ भाई मैं काफ़ी घूम लिया लेकिन बरसाना नहीं जा पाया भाई बरसाना के इस टाइम पे भीड़ बहुत चल रही है ना तो वहाँ जाने के लोग पैसे ही बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अभी देखता हूँ मथुरा जा पाता नहीं जा पाता क्योंकि वहाँ के ही पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अभी देखते वाले निकल के हो गया तो ठीक है वरना यहीं पे आके रुक जाएंगे
भाई पैदल चलते चलते ना पसीना आ गया पूरा। हाँ, और बैग इतना भारी लग रहा है इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा, क्योंकि रिक्शा चल नहीं रही, 2 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चल लिए। अभी आए हैं पागल बाबा के मंदिर में, जो कि है भाई इतना बड़ा मंदिर है, देख रहे हो कितने मंजिल का होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मंजिल का मंदिर है भाई। जब से प्रेम मंदिर देखा ना, बाकी मंदिर एकदम नॉर्मल लग रहे हैं। इन भाई का भी यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है भैया आपका यूट्यूब चैनल? डीएस हरामी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। डीएस हरामी? हाँ, डीएस हरामी, इतना खतरनाक नाम है। नहीं, जो चैनल का नाम है वो ऐसा ही है, पर वीडियो एकदम सफर आती है, वीडियो एकदम कॉमेडी आती है। ऐसा इनके साथ के 2 भाई और हैं, वे आ रहे उधर से। वैसे जब से प्रेम मंदिर देखा और कोई मंदिर देखने का मजा ही नहीं आ रहा, इतना अमेजिंग बना रखा, इतनी लाइटिंग शो है उसमें, इतना बढ़िया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जन्माष्टमी भूमि, मतलब कृष्ण की जन्मभूमि, और यहाँ के लिए हमें कुछ नहीं मिलता जाने के लिए यार। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो मिला भाई हमें रिक्शा, और खाला देखो पसीने में पूरा हो गया, काले बनियान में दिख नहीं रहा ज़्यादा। ये इन तीनों भाई ने बहुत साथ दिया मुझे, वरना मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था। इनकी बुआ जी का घर है यहीं पर, तो ये भी वहीं जा रहे हैं और मैं भी यहीं जा रहा हूँ। फिलहाल भाई मेरा एक माइक हो गया था खराब, और मैं दूसरा माइक लेने आया था, ये वाला, ये लिया हमने वायरलेस माइक, जो कि 850 रुपये का रेट बता रहे भैया, और मेरा वो कनेक्टर मिल गया ना यहाँ पे। फिलहाल मैं सोच रहा यही ठीक है, वायरलेस भी है, कहीं भी 20 मीटर तक की रेंज है, तो सही रहेगा वैसे मेरे हिसाब से। फिलहाल देखते कितने का और देते भैया, अभी तो मैं यहीं पर खड़ा होकर वॉइस ही चेक कर रहा हूँ। तो भाई फिलहाल मैंने माइक तो ले लिया, वो अभी चल रहे सीधा मंदिर। और भाई जी क्या हाल है, मंदिर कितनी दूर है यहाँ से? थोड़ी सी आ गई है, थोड़ी सी आ गई। आप यहीं के हो? यस। दोनों की तो भाई के साथ भाई गर्मी इतनी हो रही है ना, कमरा ढूंढता फिर, लेकिन कमरे इतने महंगे महंगे 1500, 2000, 2500 रुपए के, और मिल भी नहीं रहे। और फिलहाल अभी मैं मंदिर भी नहीं जा पाया, और माइक में आवाज इतनी खास आ नहीं रही इसमें, मैं सोच रहा चेंज ही कर दूं। तो भाई फाइनली मैंने फिर से अपना वाला माइक ही सही करा लिया है, कनेक्टर ले लिया, 900 रुपए का है, और वो था 680 रुपए का, तो आवाज तो सही आ नहीं रही थी, तो इससे बढ़िया यही ठीक है अपना वाला। अब मैं सोच रहा हूँ रूम लूँ, क्या हाल है भाई जी? मैं सोच रहा रूम लूँ या पहले मंदिर हो गया हूँ। भाई बैग इतना भारी हो गया ना, चला भी नहीं जा रहा है, थकावट होगी ना इसीलिए, बैग तो पहले से ऐसा ही है। आप लोग मंदिर हो गया आ गए भैया, ये वाले दोनों मंदिर भाई, हमें भाई मिले हैं। नाम क्या आपका वैसे? गिरधारी लाल दिवाकर। गिरधारी लाल दिवाकर नाम भी भैया आपने, कृष्ण जी का भैया। भाई बंदे बहुत बढ़िया है यहाँ के यार, मतलब 3 बंदे पहले मिले उन्होंने भी बढ़िया मुझे हेल्प करी, और ये भाई भी मिले भैया, मंदिर के बारे में बता दिया एड्रेस अच्छे से, सब यहीं के हो आप तो है? हाँ भाई। चलो भाई जी मिल के अच्छा लगा आपसे, थैंक यू भाई। ये बच्ची यार बिस्कुट बांट रही है, दो 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 दो, बांटो बांटो बांटो, कितना क्यूट है यार। एक दिन में कितने बांट दिए? 2 पैकेट 3 पैकेट 3 बांट दिए। हाँ बांटो, दो दो दो, मैंने ले लिया 4 बांट दिए। आप दोनों का नाम क्या है? भावना, इसका नाम लवी। क्या नाम है आपका? लवी। लवी और भावना है, कितने कितने साल के हो आप? मैं 10, मैं 6, 6। आप 6 के हो, ये 13 के हैं। अच्छा, मंदिर नहीं हो गया है? मंदिर मंदिर नहीं गए? गए हो, आज भीड़ बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना। फिलहाल हम जा रहे हैं जन्मभूमि वाले मंदिर पे, और पहुँचने वाले हैं। तो भाई कृष्ण जन्मभूमि भी घूम लिया है, लेकिन अंदर बैग और फोन कुछ भी अलाउ नहीं है, बेल्ट भी नहीं है, घड़ी वड़ी, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक सामान है कुछ भी अलाउ नहीं है भाई, तो सारी चीज़ें बाहर रख के जाना पड़ा था। बहुत बड़ा बना रखा है वैसे, तो मज़ा आ गया घूम के, अंदर लाइटिंग वाइटिंग का भी मतलब प्रोग्राम पूरा कुछ है, लेकिन बैग बाहर रखा था तो मैं ज़्यादा रुका नहीं, वैसे सेफ रखा था बैग, फिर भी आ गए भाई। अभी देख लो भीड़, भीड़ देखो, भीड़ कितनी चल रही है, फुल भीड़ जा रही है इस टाइम पे, मतलब रात भर ऐसी ही भीड़ रहेगी, और कमरे भी नहीं मिल रहे कहीं, तो देखता हूँ भाई सोने होने का कहाँ मिलता जुगाड़, वैसे वरना थक बहुत गया हूँ मैं एकदम। Thank you.
पीले ना धुआं की हो के रखीले ना धुआं की हो के रखीले भाई। आज इतना धूम धड़ा का होया पड़ा ना मथुरा में, इतनी भीड़ है अभी भी रात के 10:30 10:40 हो गए, इतनी भीड़ हो रखी। फिलहाल मैं आ गया अपने कमरे में और आज वीडियो मतलब अपलोड कर रहा हूँ मैं, पहले दिन की वीडियो आज अपलोड हो रही है, 41% होगी। तो और भी आज मुझे पूरी रात काम ही करना, मतलब कि एडिट करूंगा डाल दूंगा क्योंकि वाईफाई लगा हुआ, एसी लगी हुई, सब चीजें बड़े मुश्किलों में ऐसा कमरा मिला हुआ, यहाँ पे सारी चीजें लगी हुई और रेट है क्या होगा, मतलब हालत कैसे हुई, गर्मी में पूरी हालत होगी, वृंदावन और मथुरा मंदिर भाई। रात का सबसे ज्यादा मजा होता है, रात का भाई, रात में सबसे ज्यादा मजा आता है। तो अगर मेरे पास टाइम नहीं होता ना, मेरे पास टाइम होता तो मैं घूमने जाता, लेकिन मैं इतना घूमने मेरे पैर हाथ दर्द कर रहे। बस आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं कल क्या करना है, अभी मैंने कल के बारे में कुछ नहीं सोचा, कल। थैंक यू वेरी मच।